हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाले बहुत ही सिंपल और डिलीशियस इंस्टेंट मावा मोदक की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल मोदक आप घर पर आसानी से बना सकते हो। तो चलिए झटपट बनने वाले मावा मोदक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/3 कप मिल्क। मिल्क मैंने मेजरिंग कप से 1/3 कप लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। और मोदक को पीला कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कलर वाला दूध, यानी कि मैंने 2 टेबलस्पून दूध में 1 पिंच पीला कलर ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे केसर का यूज़ करके पीला दूध बना सकते हो, या फिर आप दोनों ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो और मोदक व्हाइट ही रख सकते हो। कलर को हम मिक्स करने के बाद उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। एक हाथ से इसे ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने, और इसे कंटिन्यूसली मिक्स होने तक चलाते जाएंगे। हमें इसे एक स्मूथ टेक्सचर देना है, तो हम इसे कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते जाएंगे जब तक ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं हो जाता। तो अभी ये धीरे धीरे परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आने लगा है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखी है और ये कढ़ाई छोड़ने में टोटल 7 से 8 मिनट्स लेता है। तो अभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है, तो हम गैस को अभी ऑफ कर देते हैं और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसे बोल में निकालने के बाद चम्मच की हेल्प लेकर इसे ठंडा कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के ही अंदर ये ठंडा हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पीसी हुई चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा ऐड करिए, अगर कम खाते हैं तो कम ऐड करिए। और उसके बाद ही मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं और एक स्मूथ सॉफ्ट डो बना लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट के लिए इसे मसल मसल के लेना है ताकि डो सॉफ्ट बन जाए। तो अब ये डो मोदक बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें एक मोदक मोल्ड लगेगा। इस तरह से मोदक का सांचा मार्केट में आसानी से मिलता है। अब मोदक मोल्ड को हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोदक अंदर चिपके ना और वो आसानी से निकले। थोड़ा सा उंगलियों को भी लगाएंगे और जो हमने इंस्टेंट मावा बना कर रखा है उसमें से हम एक बॉल लेंगे और इस तरह से मोदक का शेप देने के लिए इसे फिल करते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा मावा होता है उसे हम निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में बारीक कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप करें। और मोदक मोल्ड को हम इस तरह से बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा मावा है उसे हम निकाल देंगे। तो नीचे से भी हम निकाल देंगे और साइड से भी निकाल देंगे ताकि हमारा मोदक परफेक्ट शेप में आ जाए। और मोदक बनाते वक्त आप बीच में से घी भी हाथों को लगा सकते हो, उससे आपके हाथों को मावा चिपकेगा नहीं और इसे निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसे जेंटली ओपन कर लेते हैं और ये रहा हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोदक। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और उसी प्रोसेस से मैं बाकी के मोदक भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखा ना, बहुत ही सुंदर लगता है ये मोदक और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे मैं एक हलवाई लुक देने के लिए थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप इसे लगाइए, नहीं तो स्किप कीजिए। तो ये रहे हमारे इंस्टेंट और टेस्टी मावा मोदक। तो आप भी इस गणेश फेस्टिवल में ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।